आज के वीडियो में हम जानेंगे कि SEO क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। अगर आप एक बिगिनर हैं, आपने रिसेंटली डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को फिनिश किया है और अब आप चाहते हैं कि आप जॉब पे जाएं और जॉब करें, बट आपको कन्फ्यूज़न यहाँ ये है कि SEO में काम कैसे होता है, क्या क्या वर्किंग होता है, कितना काम करना पड़ता है और कौन कौन से सेक्टर में, जैसे कि ऑन पेज, ऑफ पेज या टेक्निकल SEO में आपको क्या क्या करना पड़ता है, ठीक है। और बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है कि अगर उनको बेसिक SEO आता है तो क्या उन्हें जॉब मिल सकता है या नहीं, ठीक है। तो इन्हीं सब क्वेश्चंस को हम देखेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि SEO में क्या क्या करना होता है आपको। तो SEO में आपके तीन सेक्टर होते हैं। पहले तो होता है ऑन पेज SEO, मतलब जो भी चीज़ आप वेबसाइट पे देखते हो, वेबसाइट पे जैसे कि उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, कीवर्ड्स, प्लेसमेंट, तो ये ऑन पेज हो गया आपका। और दूसरा होता है ऑफ पेज, जो एक्टिविटी जैसे बैक लिंकिंग जो भी आती है वो ऑफ पेज में आता है, ठीक है। सोशल मीडिया भी उसमें एक पार्ट हो जाता है हमारा, ठीक है। और टेक्निकल SEO में हमें ये देखना होता है कि क्या वेबसाइट हमारा रिस्पॉन्सिव है और अच्छे टाइम पर खुल रहा है या नहीं, ठीक है, वो टेक्निकल SEO में आ जाता है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी आता है, लेट्स से आपको सिर्फ ऑन पेज SEO आता है, तो भी आपको जॉब मिल सकता है एज ए ट्रेनी इन द बिगिनिंग, ठीक है। अगर आपको ऑन पेज और ऑफ पेज दोनों आता है तो भी आपको जॉब मिल जाएगा, और तीनों आता है तो फिर सोने पे सुहागा है, मतलब उसको तो रखना ही रखना है लोगों को, ठीक है, चाहे आपके पास 0% एक्सपीरियंस हो, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, जब अगर आप MNCs में जाते हो, यानी मल्टीनेशनल कंपनी में अगर जाते हो, जहाँ पे सबका काम कैटेगराइज्ड होता है, यानी सबका डिवाइडेड होता है, जैसे कि अगर मान लो कि कोई ऑन पेज करने वाला बंदा है तो उसका अलग काम है, ऑफ पेज करने वाला बंदा है तो उसका अलग काम है, मतलब बड़ी जो कंपनियाँ होती हैं वो ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल SEO के लिए अलग अलग बंदों का हायर करता है, ठीक है। लेकिन अगर आप छोटे स्टार्टअप में जाते हो जहाँ पे कि बहुत ही कम लोग हैं, बहुत कम वर्कर्स हैं, तो वहाँ आपको तीनों चीज़ करना पड़ता है, ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल SEO, ठीक है, ऐसा कुछ है। अच्छा, बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या SEO जॉब आसान है, तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड में कोई भी ऐसा जॉब नहीं है जो आसान होता है। आपको अपने एफर्ट से चीज़ें आसान बनानी होती है। अगर आपको बहुत अच्छा नॉलेज है तो वो आपको आसान लगता है, अगर आपको अच्छा नॉलेज नहीं है तो वही जॉब आपको डिफिकल्ट लगने लगेगा। मेरे अनुसार जो SEO जॉब है वो एक लॉन्ग टर्म जॉब है, जैसे कि आप एक दिन में उसका रिजल्ट नहीं निकाल सकते। मानो कि आपको एक वेबसाइट दी जाती है और आपसे कहा जाता है कि मुझे इसको टॉप पर लाना है, इसके इस कीवर्ड पे मुझे इसको रैंक कराना है, तो कम से कम इसके लिए टाइम लगेगा 3 से 4 महीने, तब जाके आप उस बंदे का परफॉर्मेंस एनालाइज कर पाओगे कि वो चीज़ वर्क कर रहा था कि नहीं कर रहा था, ठीक है। इसलिए SEO में थोड़ा टाइम टेकिंग है और आसान भी कह सकते हो, और अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो कोई भी चीज़ डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए मेरा कहना है कि पहले आप नॉलेज बढ़ा लो, उसके बाद SEO में जाओ। थोड़ा बहुत नॉलेज एटलीस्ट आपको बेसिक तो पता ही होना चाहिए कि SEO में करना क्या होता है। अच्छा, क्या सिर्फ ऑन पेज आने से आपको जॉब लग जाएगी? बिल्कुल लग जाएगी। अगर आप ऑन पेज भी जानते हो, आपको बेसिक पता है उसका किस तरीके से ऑन पेज होता है, तो भी आपकी जॉब लग सकती है, ठीक है। तो ऑन पेज आने से भी आपको अच्छा खासा जॉब लग जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन आता है कि SEO का रिजल्ट कितने दिन बाद आता है? जैसे कि मैंने बताया आपको 3 से 4 महीने लगते हैं SEO का रिजल्ट आने में, और मतलब इफेक्टिव है कि नहीं वो 3 से 4 महीने बाद ही पता लग पाता है, क्योंकि 10 दिन या 15 दिन में इतना बड़ा कोई रिजल्ट सामने आता नहीं है, ठीक है। अच्छा, SEO में कितना सैलरी मिलता है? तो सैलरी का जो पोर्शन है कि अगर आप एक बेसिक SEO गाय हो, मतलब आपने स्टार्ट ही किया है अभी, तो आपको सैलरी करीब 10 से 15,000 ऑफर किया जाता है, डिपेंड ऑन योर कंपनी, किस कंपनी में आप जा रहे हो। अगर आप MNC में जा रहे हो तो आपको 20 भी मिल सकता है, या 18 to 20 आपको MNC में मिलता है बिगिनिंग में, और अगर आप स्टार्टअप में जा रहे हो तो आपको कम सैलरी ऑफर किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको SEO से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो क्लियर हुए होंगे, और भी अगर आपके क्वेश्चंस होते हैं अगर SEO से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर हम देने की कोशिश करेंगे। सो आज के वीडियो में इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड वी विल हैव समथिंग डिफरेंट, और हम और भी एस्पेक्ट में बात करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ही डाइवर्स फील्ड है, जहाँ पे हम और भी बहुत चीज़ों के बारे में जानेंगे, जैसे कि ईमेल मार्केटिंग क्या होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है, और वेबसाइट में वर्डप्रेस में क्या क्या चीज़ें आती है, उससे रिलेटेड भी हम इस जानेंगे। आज के लिए इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, bye-bye.